दोस्तों हमारे पास आ चुका है गैलेक्सी बड्स प्रो का ये बॉक्स और इस वीडियो में हम इस बॉक्स को खोलने वाले हैं और इसके अंदर से गैलेक्सी बड्स प्रो को निकालने वाले हैं इसकी अनबॉक्सिंग करने वाले हैं और आपको बताएंगे कि क्या ये इस टाइम पे बेस्ट वैल्यू फॉर मनी ईयरबड्स हो सकता है। तो चलिए जल्दी से इसको अनबॉक्स करते हैं। तो दोस्तों यदि हम इस बॉक्स के ऊपरी डिटेल की बात करें तो यहाँ सामने से हमें गैलेक्सी बड्स प्रो एक चमकता हुआ दिखता है टेक्स्ट और यहाँ पे ये बड्स बनाए गए हैं और यहाँ एक सैमसंग का लोगो है और इधर साइड में देखें तो यहाँ पे हमें मिलता है इसका प्राइस और बाकी डिटेल वगैरह पैकिंग वगैरह इसकी और प्राइस यहाँ पे दिया है 17,990 बट मैंने इसे सैमसंग शॉप से सेल के दौरान 7,000 में लिया था और ये अमेजन पे सेल के दौरान 6,000 तक मिल रहा था। मैं आपको इसका पर्सनल यूजेज क्योंकि मैं इसे कुछ दिनों यूज करने के बाद अनबॉक्स कर रहा हूँ तो मैं आपको इसका पर्सनल यूज का एक्सपीरियंस बताऊँगा कि मुझे मतलब कितने कैसा साउंड मिला, कैसा बैटरी लाइफ मिली और कैसा मतलब मुझे क्वालिटी लगा इसका, तो पूरा मैं बताता हूँ इस वीडियो में, साथ ही साथ अनबॉक्स भी करते हैं। तो चलिए जल्दी से डब्बा ओपन करते हैं और ठीक है ये बॉक्स है। यहाँ पे हमें मिल जाता है स्टार्टिंग में कुछ क्विक स्टार्ट गाइड्स वगैरह होंगे इसके अंदर, मैं अभी इसे देख नहीं रहा, इसे साइड में ही रखते हैं क्योंकि हमारा मेन फोकस होगा इसके ऊपर। और यहाँ पे हमें ये मिलता है हमारा मेन जो बॉक्स है केस जिसके अंदर है हमारा गैलेक्सी बड्स प्रो और इसे भी साइड में रखते हैं। और यहाँ पे हमें कुछ मिलता है एक्स्ट्रा, ये है इसमें होगा टाइप सी केबल और एक्स्ट्रा ईयर टिप्स वगैरह होंगे। तो इसमें वही टाइप सी केबल है और एक्स्ट्रा ईयर टिप्स हैं इसके अंदर, तो इसे भी मैं अभी नहीं खोल रहा है, बस यही था। अब हम आते हैं सीधे अपने इस केस के ऊपर और गैलेक्सी बड्स प्रो के ऊपर। तो यहाँ केस के ऊपर भी आप देख सकते हैं लिखा हुआ है सैमसंग साउंड्स बाई AKG और यहाँ ये बॉक्स का डिज़ाइन काफ़ी कम्पैक्ट है और मजबूत है, प्रीमियम की फीलिंग आएगी आपको यदि आप इसे हाथ में होल्ड करेंगे तो। और यहाँ केस की डिजाइनिंग देख सकते हैं और इसे ओपन करेंगे तो आप ये देख सकते हैं बहुत ही सही लॉक होता है। और ये है हमारे बड्स, यहाँ आपको ग्रीन लाइट दिखेगी क्योंकि ये रिचार्ज है, यहाँ पे यहाँ भी लाइट जलती है इन बड्स की बैटरी स्टेटस के लिए और यहाँ लाइट जलती है इस केस के बैटरी स्टेटस के लिए। अभी ये ब्लिंक कर रही है इसका मतलब बैटरी लो है केस का। और यहाँ पीछे केस के साइड में आप टाइप सी का चार्जर लगा के चार्ज कर सकते हैं। और यदि हम इसे निकाल लें ईयरबड्स को तो मैं आपको डिटेल में दिखाता हूँ पास करके फोकस करके, तो ये है। अभी मैं ऐसा करता हूँ एक लेकर दिखाता हूँ, नहीं दोनों में सही से दिखा नहीं पाऊँगा, ठीक है। तो फोकस हो जाए, हो गया ठीक है, देखिए तो कितना सही कैमरा फोकस कर रहा है S20 FE का, ठीक है। तो यहाँ पे ये है इसका बहुत सारे स्पीकर वगैरह माइक वगैरह यहाँ पे दिया हुआ है, पीछे फिनिश वगैरह है और ये ऐसा है कि मतलब आपका फिंगर वगैरह इस पर नहीं जनाता है, फिंगर इस पर नहीं जनाएगा, ये सही है। और मैं काफ़ी दिनों से यूज कर रहा हूँ फिर भी आप देख सकते हैं अभी भी चमक रहा है नया जैसा। और आपको बस एक चीज़ ध्यान रखना कि आपके ईयर्स थोड़ा यदि छोटे हैं तो आप वो छोटा वाला लगा लीजिए ईयर टिप्स, नहीं तो कई लोगों ने ये कंप्लेन किया है कि उनके ईयर में फ़िट नहीं होता है, बट मेरे साथ तो ऐसा कोई इशू नहीं था, मेरे साथ ये मैं मीडियम वाला यूज कर रहा हूँ, मुझे ये भी फिट हो जाता है। और इसका साउंड के लिए इसमें डबल अंदर ड्राइवर लगा होता है, वो दो टाइप के हैं, एक बेस के लिए अलग और ट्रेबल के लिए अलग, बट वो सब मैं टेक्निकल फीचर में नहीं जाऊँगा, मैं आपको डायरेक्ट बताता हूँ कि इस साउंड की क्वालिटी इसकी कैसी आती है। तो जहाँ तक मैंने यूज किया है काफ़ी अच्छा साउंड है, जैसे मैंने बोट रॉकर्स इसके पहले यूज किया था रॉकर्स 255 प्रो, तो उससे काफ़ी अच्छा साउंड है ओबियसली क्योंकि उसे महंगा भी है कॉस्टली भी है। और नॉइज़ कैंसिलेशन भी इसका ठीक ही ठाक है, मतलब एकदम अब एकदम से ऐसा नहीं होगा कि आप इसे पहन लिए तो ज़रा से भी आपको नॉइज़ नहीं आएगी, बट हाँ ठीक है आपका काम चल जाएगा। और कनेक्टिविटी भी आपको कितना बताएं, यदि आप अपने रूम में हैं तो आप अपने घर में कहीं भी जा सकते हैं कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, मगर आउटडोर में थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम हो सकती है यदि आप कहीं जाते हैं अपने मोबाइल को छोड़ के तो। और ये ईयरबड्स वाटर रेसिस्टेंट्स भी हैं, यानी आप इसे पहन के आराम से जिम वगैरह कर सकते हैं, पसीने वसीने से कोई दिक्कत नहीं होगा, आप हल्की फुल्की बारिश भी हो रही हो तो उसमें भी पहन के जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ बट आपको ये याद रखना ये केस आपका जो है ये वाटर रेसिस्टेंट नहीं है, केवल ये जो आपके ईयरबड्स हैं ये वाटर रेसिस्टेंट्स हैं, आप इन्हें पानी में भी पहन के यूज कर सकते हैं। पानी का मतलब ये आपको स्विमिंग नहीं करना है, पानी में बारिश वगैरह हो रही है हल्की फुल्की या फिर आप जिम वगैरह में हैं तो आप ये पहन के जा सकते हो, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। और बैटरी बैकअप की बात करें तो यदि आप केस के साथ ये देखें तो मुझे 20 से 22 घंटे का बैटरी बैकअप भी मिला है, क्योंकि यदि एक बार ये फुल चार्ज होता हो जाता है बड्स
तो आप यदि कभी नॉइज कैंसिलेशन ऑन या ऑफ पर भी यदि हम यूज कर रहे हैं रैंडमली, तो भी मुझे 5 से 6 घंटे का बैटरी लाइफ मिल जाता है। तो आप समझ जाइए कि यदि एक बार में यदि ये 5-6 घंटा देता है तो 3-4 बार ये चार्ज करता है इसे, तो इस तरह से हमें 15-20 घंटे का टाइम आराम से मिल जाता है केस प्लस बड्स को लेकर। और इसे आप चार्ज कर सकते हैं, जैसे ये बड्स भी चार्ज हो रहे हैं, आप इसे लगा के साथ साथ ये बॉक्स भी चार्ज कर सकते हैं, तो इससे भी कोई दिक्कत नहीं है। और क्वालिटी वगैरह सब सही है, साउंड क्वालिटी भी बढ़िया है, मस्त आता है साउंड, वो भी मैंने आपको बता दिया। और प्राइस के हिसाब से बात करें तो यदि ये मुझे 7000 मिला था, 6000 में भी सेल पे मिलता है अमेजन पे, तो हमें लगता है यदि आप 4-5000 तक देख रहे हैं ईयरबड्स, और यदि आप सैमसंग इको सिस्टम में हैं, तो मैं बोलूँगा आप 1-2000 एक्स्ट्रा लगा के ये गैलेक्सी बड्स प्रो ही खरीद लीजिए। आप गैलेक्सी बड्स 2 भी खरीद सकते हैं, बट जो साउंड है वो मुझे गैलेक्सी बड्स प्रो का ज़्यादा अच्छा लगा, और माइक जो इन माइक कॉल क्वालिटी है वो भी गैलेक्सी बड्स प्रो का अच्छा था गैलेक्सी बड्स 2 से। मैं गैलेक्सी बड्स 2 प्रो की बात नहीं कर रहा, नॉर्मल गैलेक्सी बड्स 2 की। तो साउंड के मामले में गैलेक्सी बड्स 2 से भी मुझे अच्छा लगा। यदि आप सैमसंग यूजर हैं, यानी आपके पास डिवाइस सैमसंग का है, तो ये आपके लिए डेफिनेटली अच्छी चॉइस होगी, क्योंकि यदि आप सैमसंग मोबाइल यूज करते हैं तो उसके साथ आपको कुछ एडिशनल फीचर जैसे 360 ऑडियो वगैरह भी मिल जाते हैं। तो यदि आप सैमसंग यूजर हैं तो मैं आपको डेफिनेटली ये रिकमेंड करूँगा। और दोस्तों, हमारे पास लगभग सैमसंग का इको सिस्टम बन ही गया है। हमारे पास ये मोबाइल भी, हमने आप अनबॉक्सिंग इसकी भी की थी, ये ईयरबड्स है, और ये हमारे पास ये है गैलेक्सी वॉच 4। तो आप क्या अगली वीडियो में जानना चाहेंगे कि सैमसंग इको सिस्टम कितना फास्ट है, यानी ये कितनी जल्दी कनेक्ट करता है अपने बाकी डिवाइस को, और ये कैसे काम करता है फ्लुएंटली, लाइक आप कैसे तीनों की कनेक्टिविटी सीमलेसली स्विच कर सकते हैं, कैसे यूज कर सकते हैं। तो यदि आपको इसकी भी वीडियो चाहिए तो आप कमेंट में बताएं, मैं आपको अगली वीडियो हाउ सैमसंग इको सिस्टम वर्क्स या सैमसंग इको सिस्टम कितना फास्ट है, इस पर भी आपको एक वीडियो बनाकर दे दूँगा। और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दें, और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोज पाने के लिए सब्सक्राइब।